CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कार्यक्रम मीरा बेन। मीरा बेन का असली नाम मेडलिन स्लेट था। इनका जन्म 22 नवंबर 1892 को ब्रिटिश सेना अधिकारी के परिवार में इंग्लैंड में हुआ था। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सत्य, अहिंसा, धर्म और न्याय सिद्धांतों ने इन्हें काफी प्रभावित किया, इसीलिए वो भारत चली आईं। गांधी जी के आदर्शों का पालन करते हुए वो यहीं की होकर रह गई। भारत ही उनकी कर्मभूमि बन गई। गांधी जी ने उन्हें मेडलिन स्लेट कहकर नहीं पुकारा, वो उन्हें मीरा बेन के नाम से पुकारने लगे। तभी से उनका नाम मीरा बेन पड़ गया। गांधी जी का भी मीरा बेन के प्रति विशेष अनुराग था। मीरा बेन भारत में रहते हुई सादी साड़ी पहनती थी, चरखा चलाती थी, सूत कातती थी। गांधी जी के विचारों को गांव-गांव और शहर-शहर पहुंचाने के लिए उन्होंने अपना सारा का सारा जीवन लगा दिया। मूल रूप से मीरा बेन इंग्लैंड की थी, किंतु फिर भी अपने देश द्वारा भारत पर शासन करना उन्हें बुरा लगता था। उन्होंने भारत में रहते हुए अपने यहाँ ब्रिटिश शासन का विरोध किया। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में उनका योगदान अमूल्य है। मीरा बेन को गांधी जी के बारे में सबसे पहले रोमन रोनाल्ड की लिखी महात्मा गांधी पुस्तक में जानने को मिला। इस पुस्तक में गांधीवादी विचारों का बड़ा सुंदर वर्णन किया गया है। मीरा बेन को इस पुस्तक में महात्मा गांधी की बुनियादी शिक्षा अच्छी लगी और जात पात के विरोध से वो बहुत प्रभावित हुई। उनका मानना था कि समाज को शिक्षित करने से समाज से ऊंच नीच, गरीबी अमीरी, प्रांत और भाषा के अंतर समाप्त हो जाते हैं। मीरा बेन ने ये सिद्ध कर दिखाया कि अच्छे विचारों का पालन करना चाहिए, अन्याय का विरोध करना चाहिए। सबसे बड़ी बात, गांधी जी के प्रिय सिद्धांतों जैसे शांति, अहिंसा, धर्म और न्याय का जीवन भर पालन करना चाहिए। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम मीरा बेन। अकादमिक समन्वय सह आचार्य रमेश कुमार, वाचन स्वर शालिनी सिंह और प्रवीण कुमार, तकनीकी निर्देशन बटी लैंगलिंगडो, ध्वनियांकन मयंक कुमार और शानु मुक्सीम, निर्माण सहयोग मीनाक्षी कुगरेती, निर्माण परामर्श वंदना अरिमर्दन और अजीत होरो, निर्देशन एवं निर्माण विमलेश चौधरी तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली, भारत।